इस लेक्चर का टॉपिक है इंस्टेंटेनियस सेंटर और एक्सिस ऑफ रोटेशन इन शॉर्ट ICOR ऑब्लिक IAOR। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द पॉइंट अबाउट विच मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी seems to be pure rotation. At a given instant. तो किसी भी रिजिड बॉडी के मोशन के लिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी हमें प्योर रोटेशन करते हुए मिलेगी यहाँ पे। फर्दर कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं इसके लिए। इस तरीके का जो पॉइंट होता है उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। इट इज द पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी। एट दैट इंस्टेंट, तो जिस इंस्टेंट पे वी आर कंसर्न्ड, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी। इसीलिए समटाइम्स इसको इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जीरो वेलोसिटी बिकॉज ऑफ जीरो वेलोसिटी। लेकिन इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इट्स एक्सेलरेशन इन जनरल इज नॉट जीरो। तो वेलोसिटी जीरो है लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। इट इज अ यूनिक पॉइंट एट एन इंस्टेंट। तो किसी बॉडी के लिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऐसा जो पॉइंट होता है वो पॉइंट एक यूनिक पॉइंट है। ऐसे नहीं होगा कि ऐसे कई सारे पॉइंट्स हमको मिलेंगे। तो दिस इज अ यूनिक पॉइंट इन द बॉडी। दिस पॉइंट इट कैन बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बॉडी में भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। और बॉडी के बाहर बोलने का मतलब है कि दिस इज समथिंग इमेजिनरी एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का अगर कोई इमेजिनरी एक्सटेंशन देख लिया जाए तो बोला जा सकता है कि पॉइंट उस पे लाइक कर रहा है। अब आते हैं इसके ऊपर कि इसकी ज़रूरत क्यों है, ये पॉइंट इसको पढ़ने का इतना इम्पॉर्टेंस क्यों है, वाई दिस पॉइंट इज सो इम्पॉर्टेंट। तो जो केसेस हम यहाँ पे ले रहे हैं वो है प्लेन रोटेशन की केसेस, यानी कि जो भी रोटेशन है वो एक प्लेन में हो रहा है यहाँ पे, और बॉडी का कोई भी पॉइंट एक पर्टिकुलर प्लेन में ही रोटेट कर रहा है। तो प्लेन रोटेशन के जो केसेस होते हैं तो उसमें जो सबसे पहला केस आता है, जो सबसे इजी या बेसिक केस होता है वो होता है रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। अगर कोई बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, सपोज एक रॉड है जो कि इस हिंज से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसके किसी पॉइंट की वेलोसिटी को लिखने के लिए जस्ट वी हैव टू राइट वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। या मैग्नीट्यूड वाइज अगर बोलें तो ये आर डिस्टेंस और ये हो गया ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा इंटू आर इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी और इस वेलोसिटी का डायरेक्शन इस आर के परपेंडिकुलर और मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। तो सिंपली इतना लिखने से किसी पॉइंट की वेलोसिटी इसमें पता कर सकते हैं। लेकिन जब मोशन एक जनरल टाइप का होता है, जनरल प्लेन मोशन या जनरल प्लेन रोटेशन की जो सिचुएशन होती है जिसको कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन भी बोलते हैं, तो इसमें हम लोग यहाँ पे ये अज्यूम कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास अगर वी सी एम वेलोसिटी चल रहा है और बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट अगर हो रही है, तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी, सपोज कोई पॉइंट यहाँ पर ए है, तो किसी पॉइंट की वेलोसिटी को लिखने का तरीका यहाँ पर ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। यानी बॉडी के मोशन को हम दो कॉम्बिनेशन में देखते हैं, प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहाँ पर लिख करके उसमें ऐड कर देते हैं इस वेक्टर को। और हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी रिजिड बॉडी के मोशन में कोई भी दो पॉइंट्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में
सर्कुलर मोशन करते हैं। यानी इस इक्वेशन को मैं किसी जनरल दो पॉइंट्स के बीच में भी लिख सकता हूँ। अगर ये पॉइंट्स सपोज बी और ए हैं तो मैं इनके लिए भी लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसा भी लिखा जा सकता है। सेंटर ऑफ मास को लेने का बस जो आइडिया है वो ये कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उससे एसोसिएटेड कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसीलिए सेंटर ऑफ मास को यहाँ पे यूज़ कर लिया जाता है। अदरवाइज़ किसी भी जनरल पॉइंट के अबाउट यहाँ पर ये यूज़ किया जा सकता है। और कोई भी पॉइंट जैसे ए पॉइंट बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है, ए पॉइंट अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखें तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में या उसके रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो रिजिड बॉडी में कोई भी एक पॉइंट किसी भी दूसरे पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन करता है विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि वी हैव टू ऐड टू वैक्टर्स, हमें दो वैक्टर्स यहाँ ऐड करने होंगे। अगर यहाँ पर देखें तो ए की वेलोसिटी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है इस तरीके से तो इनको ज्वाइन करके जो भी आर आया इस आर के परपेंडिकुलर ओमेगा आर, तो वी हैव टू ऐड दिस टू वैक्टर्स टू फाइंड द नेट वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट। और ऐसे ही यहाँ पर भी करना होगा। यहाँ पर अगर बी की वेलोसिटी कुछ भी है कुछ इस तरीके की, तो वी बी और फिर ये आर, और फिर उसके बाद अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा हो ओमेगा से तो ओमेगा इंटू आर, इन दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तब जाके नेट वेलोसिटी आएगी किसी पॉइंट की। तो जो हमारा आइडिया है वो आइडिया यहाँ पर ये है कि एक ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई किया जाए जिसकी वेलोसिटी खुद ही जीरो हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ और इसमें मैं एक ऐसा बी पॉइंट आइडेंटिफाई कर लूँ जिसकी वेलोसिटी खुद ही जीरो हो, तो अगर इसकी वेलोसिटी जीरो अगर हो जाती है तो जीरो हो जाने से हमें बेनिफिट ये होगा कि जस्ट हमें ये वाला वेक्टर ही चाहिए, बी ए भी चाहिए, और वो सिंपली ओमेगा क्रॉस आर हो जाएगा। तो जस्ट इससे हमें वेलोसिटी पता चल जाएगी मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा इस आर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। तो हमारा मेन एम यहाँ पर यह है कि एक ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई करें जिसकी वेलोसिटी जीरो हो, जिससे कि हमें बस केवल ओमेगा इंटू आर कैलकुलेट करना हो और ओमेगा इंटू आर से नेट वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाए। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो अगर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन को अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तब हमें उसके बेनिफिट्स यहाँ पर मिल पाएंगे और हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी को सिंपली एक वेक्टर से कैलकुलेट कर पाएंगे और वो वेक्टर हो जाएगा सिंपली ओमेगा इनटू आर। तो ओमेगा इनटू आर का यूज़ करते हुए वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट इन द बॉडी। लेकिन उससे पहले हमें इसका लोकेशन पता करना पड़ेगा कि वेयर इज दिस इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। और इसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है, हमें ऐसा पॉइंट चाहिए जिसकी वेलोसिटी जीरो हो। तो इसके लिए मैं कुछ केसेस यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ और उन केसेस में देखते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई दिस पॉइंट, हाउ टू फाइंड दिस पॉइंट इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इसमें पहला केस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। नंबर वन, सपोज एक रिजिड बॉडी है, वो रिजिड बॉडी एक जनरल प्लेन मोशन कर रही है, यानी कि कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन कर रही है, और मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी पता है। तो वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी आर नोन। सपोज ये दो पैरामीटर्स हमें पता है बॉडी के लिए। तो सपोज ये कोई बॉडी, इसमें कोई भी एक पॉइंट है जो कि सपोज वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसके एंगुलर वेलोसिटी इस बॉडी की मुझे पता है यहाँ पर ओमेगा के इक्वल है। तो अभी जस्ट हमने यहाँ पर देखा है कि किसी भी दो पॉइंट्स के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। और यहाँ पे बी हम ऐसा फाइंड आउट करना चाहते हैं जो कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, दैट मीन्स ए अबाउट इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन प्लस वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, और इसकी वेलोसिटी खुद ही जीरो है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि सिंपली किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो ओमेगा इनटू आर के बराबर होगी, जहाँ पे आर डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो जैसे ये पॉइंट है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा इनटू आर के बराबर होगी, और ओमेगा पता है, बी पता है, तो वी कैन फाइंड द आर, और उस आर से
उस आर को कैलकुलेट करने के बाद में हमें लोकेशन मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का. तो वी कैन राइट वी इज इक्वल टू ओमेगा इनटू आर, आर इज इक्वल टू वी बाई ओमेगा. अब ये तो डिस्टेंस आ गया इसकी, इस पॉइंट से इतने डिस्टेंस पर है, लेकिन वो है कहाँ पर आखिर इतने डिस्टेंस पर? तो कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं. तो ऑब्वियस है कि जो भी वो पॉइंट होगा उस पॉइंट से जो भी यहाँ पर आर डिस्टेंस होगा या आर वेक्टर होगा, उस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है हमेशा यहाँ पर. तो जस्ट इस वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे और इस परपेंडिकुलर के ऊपर इस पॉइंट से आर डिस्टेंस मेजर कर लेंगे. अब वो आर डिस्टेंस ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है. तो इसका डिसीजन कैसे लिया जाएगा इसमें? तो डिसीजन लेने के लिए हम देखेंगे सेंस ऑफ रोटेशन किस टाइप का है. सपोज अगर पॉइंट नीचे है तो इसके अबाउट यहाँ पर ये ओमेगा से कुछ इस तरीके से यहाँ पर रोटेट कर रहा होगा क्लॉकवाइज, क्योंकि ये पॉइंट इधर मूव कर रहा है यहाँ पर इसमें, और ये दिया गया है कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है. अगर ये पॉइंट यहाँ कहीं होता और अगर फिर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन करवाता इस पॉइंट के अबाउट, तो फिर ये पॉइंट इधर जा रहा होता इन दिस डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन. लेकिन क्योंकि इधर जा रहा है तो इसका मतलब ये पॉइंट नीचे होगा आर डिस्टेंस पे, और यहाँ से आर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद में दिस पॉइंट इज़ इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन. यहाँ से जो एक्सेस पास कर रही होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो जो ये एक्सेस पास कर रही है तो दिस एक्सेस इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन. तो केस नंबर टू यहाँ पे ले रहे हैं कि सपोज़ वेलोसिटी ऑफ टू पॉइंट्स आर नो, तो जो बॉडी है उस बॉडी के दो पॉइंट्स की वेलोसिटी हमको पता है, जैसे इस डायग्राम में मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है. और इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वेलोसिटीज़ आर नॉट पैरल. सपोज वेलोसिटीज़ आपस में पैरल यहाँ पे नहीं है. तो जस्ट प्रीवियस केस में हमने देखा कि जो भी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होगा वो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से आता है. और क्योंकि मुझे यहाँ पे वी ओमेगा दोनों पता था, तो मैंने यहाँ पे आर कैलकुलेट कर लिया था वी बाई ओमेगा से. लेकिन क्योंकि यहाँ ओमेगा पता नहीं है मुझे, लेकिन स्टिल अभी भी जो भी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होगा वो इस परपेंडिकुलर लाइन पे कहीं ना कहीं होगा. तो एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किया जा सकता है और एक परपेंडिकुलर इस वेलोसिटी पर ड्रॉ किया जा सकता है. दोनों का जो ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन. तो लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर्स. तो ये परपेंडिकुलर सपोज वी वन पर ड्रॉ किया और एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया इस पर. नाउ दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन. और जैसा दिख रहा है ये इधर और ये इधर, तो उसके अकॉर्डिंगली ये बोल सकते हैं कि बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है एंड दिस पॉइंट इज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन. तो मैथड विल बी ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन वेलोसिटीज. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन will give instantaneous center of rotation. इस केस को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कहाँ पर इसका यूज़ आ सकता है, किस सिचुएशन में आ सकता है. तो सपोज़ एक रॉड है जो कि स्लाइड कर रही है, तो रॉड इज केप्ट अगेंस्ट फ्लोर एंड वॉल और ये स्लाइड कर रही है, और इसका मुझे पता करना है कि वेयर इज़ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन. तो अगर ये रॉड स्लाइड कर रही है और यहाँ पर ये फ्लोर है, ये वॉल है, तो रॉड का ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस फ्लोर के अलोंग इस तरीके से मूव कर सकता है, इसकी वेलोसिटी का ये डायरेक्शन हो सकता है. और जो ये पॉइंट है जो कि वॉल के साथ कॉन्टेक्ट में है, तो दिस पॉइंट कैन मूव लाइक दिस. मुझे पता नहीं कि इनकी वेलोसिटीज़ क्या होंगी, लेकिन मुझे ये पता है कि वेलोसिटीज़ का डायरेक्शन क्या होगा. तो ये डायरेक्शन ऐसे और ये डायरेक्शन ऐसे, जस्ट मुझे इन डायरेक्शंस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा. तो एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉप किया और एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉप किया, एंड दिस पॉइंट विल गिव द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन. और दिख रहा है कि इसमें जो रोटेशन है वो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है. इसमें इससे कोऑर्डिनेट्स पता किए जा सकते हैं. अगर ये एंगल पता है और सपोज रॉड की लेंथ पता है एल के इक्वल, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, सो दिस डिस्टेंस विल बी एल कॉस थीटा एंड दिस डिस्टेंस विल बी एल साइन थीटा. Then coordinates will be L cos theta comma L sin theta. और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें देखी जा सकती हैं कि अब ये जो पॉइंट है, जैसे ये यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन रहा है इसमें, तो दिस इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में एक तरीके से जो रॉड है और यहाँ पर ये जो लाइन है,
ये दोनों इसके डायगनल्स होंगे और डायगनल्स की लेंथ इक्वल होती है, और हमेशा इस तरीके का रेक्टेंगल बनेगा, चाहे रॉड किसी भी दूसरे एंगल पे पहुंच जाए, तो हमेशा यहाँ पे ये डिस्टेंस फिक्स है यहाँ पर। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस फिक्स है और ये डिस्टेंस रॉड ऑफ लेंथ एल के इक्वल है, तो हमेशा मेरे को इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन इस पर्टिकुलर केस के लिए एक सर्कुलर पाथ पे मिलेगा। तो ये एक सर्कुलर पाथ ट्रैवल करेगा जिसका सेंटर यहाँ पर होगा और रेडियस हो जाएगी एल के इक्वल। तो ये इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे इससे रिलेटेड। सपोज़ एक रॉड है, ये रॉड यहाँ पर एक हिंज, और ये हिंज यहाँ पे फिक्स है यहाँ पर। तो रॉड का ये जो पॉइंट है फिक्स है, लेकिन रोटेट कर सकता है अबाउट दिस एक्सेस। और सपोज़ यहाँ पर एक हिंज है और इस हिंज के थ्रू ये एक दूसरे रॉड से कनेक्टेड है जो कि यहाँ कहीं पर है। तो ये एक रॉड, ये भी एक हिंज पॉइंट है और ये एक दूसरे रॉड से कनेक्टेड है, और ये जो रॉड है इसका यहाँ पर ये हिंज और ये फिक्स है। सपोज इस सिचुएशन के लिए पूछा जा रहा है कि जो रॉड यहाँ पर ये वाली रॉड है, सपोज मैं इनको नाम देता हूँ, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन फॉर रॉड बी सी, इसके लिए इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पर होगा ये पता करना है हमें। तो यहाँ पर आप इस बी पॉइंट की वेलोसिटी का डायरेक्शन पता कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये हिंज्ड है, तो इसका जो रोटेशन होगा वो रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट होगा, यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट होगा, और ये इसके अबाउट ऊपर या नीचे जा सकता है। इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड या डाउनवर्ड यहाँ पर हो सकता है, और एक वर्टिकल रॉड यहाँ पर इसका ये पॉइंट हिंज्ड है, यहाँ पर फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन होगा इसका इसके अबाउट, और ये जो सी वाला पॉइंट है वो इस रॉड के परपेंडिकुलर, इट कैन गो लाइक दिस, इधर इन द राइट डायरेक्शन और इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। तो इनकी वेलोसिटीज का डायरेक्शंस मिल गए, तो बी की वेलोसिटीज वर्टिकल हो सकती है और सी की वेलोसिटी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो सकती है। अब इस वेलोसिटी पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो दिस इज द परपेंडिकुलर, और इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो दिस इज द परपेंडिकुलर। तो यहाँ कहीं पर इनके लिए इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। अब अगला केस लेते हैं इसमें। तो इससे पहले वाले केस हमने देखा कि वेलोसिटीज अगर पैरेलल नहीं है तब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर वेलोसिटीज पैरेलल हैं तब क्या करेंगे वो देख रहे हैं इसमें। तो वेलोसिटीज अगर पैरेलल हैं तो ऑब्वियस है कि इस परपेंडिकुलर के ऊपर लाई करना चाहिए यहाँ पर इसको, और मैंने वेक्टर्स थोड़े बड़े छोटे दिखा रखे हैं इसके अंदर, इसका मतलब है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी ज़्यादा है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कम है, यहाँ पर वेलोसिटीज़ आर नॉट इक्वल। तो V1 बड़ा है V2 से यहाँ पर इसमें, और आइडेंटिफाई करना है कि वेयर इज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो एक ही परपेंडिकुलर आएगा और इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होना चाहिए, और ऑब्वियस है कि क्लॉकवाइज रोटेशन दिख रहा है इसमें, दिस इज गोइंग मच मोर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज सम वॉट लेस देन दिस पॉइंट, सो दिस इज मूविंग सम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज़ यहाँ कहीं पे, ये कहीं भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ कहीं अज्यूम कर लिया इसको, और लेट से इसका डिस्टेंस मैंने एक्स अज्यूम कर लिया, और क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन तो इसके अबाउट पे रोटेशन होगा, तो वी कैन राइट कि जो V1 होगा अगर मैं ओमेगा अज्यूम कर लूँ तो ओमेगा एल प्लस एक्स के इक्वल हो गया V1। जो V2 होगा यहाँ पे, V2 हो जाएगा ओमेगा इंटू एक्स के इक्वल। इनको अगर डिवाइड कर दिया जाए तो V1 बाई V2 दिस इज इक्वल टू एल प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो इससे ये एक्स कैलकुलेट किया जा सकता है कि वेयर इज दिस इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इसके अलावा यहाँ पता करने के लिए एक और तरीका भी है कि जस्ट इन दोनों वेलोसिटीज के जो टिप हैं इनको ज्वाइन कर दिया जाए। इसीलिए मैंने डायग्राम को कुछ ऐसे यहाँ पर ड्रॉ किया है कि वेलोसिटीज का जो रिलेटिव इनका मैग्नीट्यूड है, तो रिलेटिवली मेरे को आइडिया लग जाए कि हाँ ये ज़्यादा है ये कम है, और इन दोनों की टिप को मिला के जो लाइन बनती है इस लाइन को फर्दर एक्सटेंड कर लिया जाए। अगर इसको फर्दर एक्सटेंड किया जाए तो ये कहीं ना कहीं यहाँ कट कर जाएगा इस लाइन को, और जहाँ पर कट करेगा वही इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होगा इसका। और इसमें एक सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो दिस इज़ द बिगर ट्राइंगल, दिस इज़ द स्मॉलर ट्राइंगल, तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे, और सिमिलैरिटी से भी सिमिलर ट्राइंगल का यूज़ करके भी वी कैन फाइंड, जैसे बड़े ट्राइंगल के अंदर अगर लिखें तो V1, छोटे ट्राइंगल में V2,
और बड़े ट्राइंगल में दिस विल बी एल प्लस एक्स, छोटे ट्राइंगल में हो जाएगा एक्स के इक्वल। तो सिमिलरिटी का यूज़ करके भी वी कैन फाइंड। अब इसमें कुछ लोगों को डाउट आ सकता है कि पैरल तो एंटी पैरल भी हो सकते थे ये, तो अगर एंटी पैरल भी होंगे तब भी तरीका यही रहेगा। सपोज ये वी वन और यहाँ पर ये वी टू, तो ऑब्वियस है कि पॉइंट जो है वो बीच में कहीं लाई करेगा। इसको आप इससे भी कंफर्म कर सकते हो कि दोनों के टिप को ज्वाइन कर दिया जाए, तो यहाँ कहीं पे होगा ये, इसके अबाउट इसका प्योर रोटेशन हो रहा है इसमें। तो इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए या तो हम यूज़ कर लेंगे सिमिलैरिटीज़ का, तो वी कैन यूज़ सिमिलैरिटी। सपोज ये एक्स डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस अगर मुझे पता है कि यहाँ पर एल के इक्वल है, तो वी वन बाई वी टू इन दिस केस विल बी इक्वल टू, तो वी वन तो एल माइनस एक्स और फॉर वी टू इट विल बी एक्स। तो इसके लिए पता किया जा सकता है कि कहाँ पे इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन का एक और बेनिफिट है कि वी कैन ऑल्सो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। जैसे फॉर जनरल मोशन, जनरल प्लेन मोशन, अगर सेंटर ऑफ मास वी वेलोसिटी या वी सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये बॉडी ओमेगा से अगर रोटेट कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को ऐड करके कैलकुलेट किया जा सकता है। जब बॉडी को कॉम्बिनेशन में अज्यूम करते हैं कि प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ से जब लिखते हैं तो ये हो जाता है हाफ मास ऑफ द बॉडी इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब अगर मुझे कहीं से ये पॉइंट पता चल जाता है जो कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है और यहाँ से जो एक्सेस पास करेगी इस मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगी इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो सपोज यहाँ से कहीं आर डिस्टेंस पर जा कर के ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है इस बॉडी के लिए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो वी सी एम होगा वो ओमेगा इंटू दिस आर के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ तो के इज़ इक्वल टू हाफ एम इन प्लेस ऑफ वी सी एम आई एम पुटिंग दिस, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। इसमें अगर ओमेगा स्क्वायर और हाफ कॉमन ले लिया जाए तो हाफ और अंदर जो क्वांटिटीज आएंगी हो जाएंगी आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी होती है फ्रॉम द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसका यूज़ करके एक दूसरे एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जा सकता है यहाँ पे। तो एक तरीके से ये जो क्वांटिटी है दिस इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सेस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो बेसिकली दिस विल बी हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेस रोटेशन इन टू ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हमारे पास में ये एक्सेस है तो इस एक्सेस का यूज़ करके भी वी कैन फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर दे रहा है और उसको अदरवाइज हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन अगर ये है तो इससे भी डायरेक्टली इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेस रोटेशन का यूज़ करते में एक चीज़ का लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसी पॉइंट के एक्सेलरेशन के लिए जनरली यूज नहीं किया जाए, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर मैं कैलकुलेट करूँ किसी पॉइंट ए का एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी। और अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का यूज़ कर रहा हूँ तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन प्लस एक्सेलरेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। और इसमें यह होगा कि ये जनरली जीरो नहीं होता, इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, और क्योंकि ए जो है वो इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसमें भी दो वेक्टर्स आ जाएंगे, वन इज सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इनटू आर एंड वन विल बी अल्फा इनटू आर। तो वन टू एंड थ्री, ये थ्री वेक्टर्स इन जनरल हमें ऐड करने होंगे तब जाके एक एक्सेलरेशन आए। और जो दूसरी अप्रोच रहती है जिसमें सेंटर ऑफ मास का यूज़ करते हैं, कंबाइंड मोशन का यूज़ करते हैं, तो बेटर है कि हम उसी का यूज़ करें। सपोज़ कोई बॉडी है अगर उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए सी एम है, इट इज़ रोटेटिंग विद ओमेगा एंड अल्फा, तो अगर मुझे किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन के लिए अगेन वही तीन वेक्टर्स, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, दिस पॉइंट इज इन
rotation with respect to center of mass. So one is centripetal acceleration towards the center, omega square r, and one will be alpha into r, and alpha will be perpendicular to r, like this. So in this approach also we have to use three vectors. In this approach also we have to use three vectors. लेकिन इसमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमें जनरली बहुत जल्दी पता चल जाता है, क्योंकि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. और इसका एक्सेलरेशन पता करना ही अपने आप में यहाँ पर एक टफ टास्क हो सकता है यहाँ पर. तो ये जो मेथड है इंस्टेंटेनियस एक्सेल रोटेशन का, ये एक्सेलरेशन के लिए एडवाइजेबल नहीं है. तो इट इज़ स्ट्रॉन्गली recommended that don't use instantaneous acceleration for acceleration calculation.